हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस फॉर द सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। सो टुडे वी हैव टू स्टडी द फर्स्ट लेसन ऑफ अवर कंप्यूटर बुक फॉर अ फिफ्थ स्टैंडर्ड। दैट लेसन नेम इज फंक्शंस एंड द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। A computer is an electronic machine which is made up of devices used for input, processing and storage and output. Computer जो है एक electronic machine है जो device, कुछ devices या parts से आप बोल सकते हो वो बनता है। कौन कौन से part आते हैं? Input आता है, processing and storage and output, ये जो part है उनसे पूरा का पूरा computer बनता है। नीचे देखे ये जो डायग्राम दी हुई है इसमें बताया गया है कि जो पूरा का पूरा कंप्यूटर का सेटअप कैसे होता है। इसमें देखिए पहला इमेज स्पीकर होता है, दूसरा है मॉनिटर टीवी के जैसी स्क्रीन, तीसरा है जो डब्बा दिख रहा है बड़ा वाला वो सीपीयू, उसके बाजू में वो जो आपको सबके घर में जब कंप्यूटर आएगा तो आपको पता ही होगा, पता ही चलेगा या पता ही होगा पहले से कि ये नीचे वाला कीबोर्ड और माउस। ओके, सो आगे हम देखेंगे फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। ओके, ये जो डायग्राम दी हुई है ये बेसिकली आपको इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के हिसाब से दी हुई है। मतलब ऊपर से आप गेहूं डालेंगे वो जो इनपुट होगा, इसमें जो पीसा जाएगा वो गेहूं वो होगा प्रोसेसिंग होगा, और जो अपना पीठ निकलता है नीचे उसको कहते हैं हम आउटपुट। ओके, तो हम देखेंगे कि वो फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर क्या क्या रहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर आर इनपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड आउटपुट। तो मेन फंक्शन कंप्यूटर के क्या क्या है? इनपुट है, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज है एंड आउटपुट है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस टर्म्स मीन्स। आगे हम देखेंगे कि ये जो तीन जो फंक्शंस है कंप्यूटर की ये क्या क्या, उसका मतलब क्या है। ओके, टू अंडरस्टैंड टर्म्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। हमको जब इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट टर्म्स को स्टडी करना होगा तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लोर मिल। तो उसके इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा फ्लोर मिल का। फ्लोर मिल मतलब हमारे घर में जो चक्की रहती है, हम जो आटा ये करते हैं पीसते हैं वो वाली चक्की। इन अ फ्लोर मिल गुड ग्रेन्स आर पुट इन टू द डिग फनेल टू द टॉप। मतलब जो ऊपर के हिसाब से ये जो गेहूँ डाले जा रहे हैं ये वाला रहता है इनपुट, एंड दे आर स्लोली क्रश इन द ग्राइंडर। ये जो है इस मशीन में वो क्रश होते हैं, मतलब पीसे जाते हैं। एंड द फोल्डर कम्स फ्लोर कम्स आउट ऑन द ओपनिंग ऑफ द बॉटम। ये जो बॉटम है यहाँ पे बर्तन में जो है फ्लोर वो निकलता है। जो गेहूँ रहता है वो इनपुट जो उसमें पीसा जाता है क्रश में ग्राइंडर में वो होता है प्रोसेसिंग, और जो आउटपुट जो फ्लोर निकलता है बॉटम में वो रहता है अपना आउटपुट। ओके, सो बेसिकली इन देयर एंटायर प्रोसीजर फूड ग्रेन्स पुट इनटू फनेल आर इनपुट। मतलब जो फूड ग्रेन डाले हमने फनेल में वो है इनपुट। द एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग द फूड ग्रेन्स इनटू फ्लोर इज कॉल्ड अ प्रोसेसिंग। मतलब जो एक्शन रहती है फूड ग्रेन्स की, जो फूड वो ग्राइंडर में बारीक किया जाता है फ्लोर, वो रहता है प्रोसेसिंग। एंड द फ्लोर कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग इज द आउटपुट। मतलब जो आटा निकल रहा है बन के पूरा का पूरा क्रश होके वो फूड ग्रेन्स, उसको कहते हैं आउटपुट। तो सिंपल डायग्राम दी हुई है, इसको बॉक्स डायग्राम कहते हैं। तो इनपुट है, इनपुट के बाद फूड ग्रेन्स मतलब इनपुट डाला जाता है, प्रोसेसिंग में ग्राइंडिंग होता है। एग्जांपल के हिसाब से ये डायग्राम दी हुई है दोस्तों। आउटपुट के नीचे फ्लोर दिया गया है। ओके, इन अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कैन बी डिफाइन एज फॉलोज। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट को क्या बताया जाता है वो हम देखेंगे। इनपुट है डाटा एंटर इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द इनपुट। ओके, जो डेटा कंप्यूटर में एंटर किया जाता है उसको हम इनपुट कहते हैं। इट कुड बी नंबर्स लेटर्स पिक्चर्स और इवन साउंड। मतलब जो डेटा इंसर्ट किया जाता है वो नंबर में हो सकता है, लेटर में हो सकता है, पिक्चर में हो सकता है और इवन साउंड में भी हो सकता है। सेकेंड है प्रोग्राम, अ सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क ऑफ अ वर्क और डेटा इज कॉल्ड एज द प्रोग्राम। मतलब जो सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं एक काम करने के लिए,
वो जो डेटा प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए हम कंप्यूटर को, उसको प्रोग्राम कहते हैं। तीसरा वाला है प्रोसेसिंग। व्हेन द कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। मतलब जो हम इनपुट देते हैं, डेटा देते हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए, उसके हिसाब से जो प्रोग्राम का प्रोसेस होता है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। चौथा है आउटपुट। इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड आउटपुट। जो इंफॉर्मेशन गैदर होता है डेटा को पूरा का पूरा कंप्यूटर का काम होने के बाद, उसको आउटपुट कहते हैं। इट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर और द प्रिंटर बाय द प्रिंटेड बाय द प्रिंटर। जो आउटपुट रहता है अपन को जो रहता है वो मॉनिटर पे या प्रिंटर पे हमें दिखाई देता है। दिस मीन्स दैट द कंप्यूटर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम टू जनरेट द इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा रहता है वो प्रोग्राम की मदद से वो आउटपुट तैयार करता है। देखिए वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में दिया हुआ है बॉक्स डायग्राम। पहले इनपुट, मतलब इनपुट में क्या आता है, डेटा एंड प्रोग्राम जो हम कंप्यूटर में डालने वाले हैं वो। उसके बाद में प्रोसेसिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम के हिसाब से हमको प्रोसेसिंग करनी है वो प्रोसेसिंग। और तीसरा है आउटपुट। आउटपुट मतलब जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट दिखेगा, मतलब उसका आंसर, फाइनल आंसर दिखेगा वो आउटपुट। तो अगला पॉइंट है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज अ मेड अप ऑफ इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर के पार्ट क्या क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, सेकेंड है प्रोसेसिंग यूनिट है, तीसरा है आउटपुट डिवाइसेस है। ओके, इन द एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोर मिल गुड फूड ग्रेन्स आर पुट इन टू द फनल। द एग्जाम्पल हमने देखा तो उसमें फ्लोर मिल का जो फूड ग्रेन्स थे वो इनपुट करके हमने डाले, हेंस द फनल इज द इनपुट डिवाइस। ओके, सो जो फनल है वो इनपुट डिवाइस हो गया। द ग्राइंडर ग्राइंड्स द फूड ग्रेन्स इनटू फ्लोर, हेंस द ग्राइंडर इज द प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब जो फूड ग्रेन ग्राइंड करता है उसको हम प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं। एंड द ओपनिंग फ्रॉम वेयर द फ्लोर कम्स आउट द आउटपुट डिवाइस। मतलब जो पूरा का पूरा जो फ्लोर कम आउट हो रहा है, पीठ मतलब आटा जो निकल रहा है जहाँ से, वो आउटपुट डिवाइस हम कह सकते हैं। इन द कंप्यूटर द कीबोर्ड एंड द माउस आर यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड एंड माउस जो रहते हैं वो हमें डेटा एंटर या इंस्ट्रक्शन एंटर करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, हेंस दे आर द इनपुट डिवाइसेस। सो उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज नेम सजेस्टेड द प्रोसेसिंग यूनिट इज प्रोसेस्ड। मतलब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, जो अपने कंप्यूटर में जो बाजू में बड़ा वाला डब्बा रहता है देखिए, उसको सेंट्रल सीपीयू बोलते हैं। तो नेम उसका सजेस्ट इसीलिए किया जाता है, उसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट है इसमें पूरा का पूरा जो डेटा हम इनपुट जो डालते हैं वो प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके हिसाब से वो प्रोसेसिंग होता है। सो इंफॉर्मेशन एंड द CPUs also stores द प्रोसेस डेटा। मतलब हम जो डेटा प्रोसेस वगैरह करेंगे वो स्टोर भी होता है। विच कैन यू रिट्राइव वेन एवर यू वॉन्ट। मतलब वो जो डेटा सेव होने के बाद आपको जब मन चाहे तब आप वो डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। दस द CPU प्रोसेस द स्टोर डेटा एंड द प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन। द CPU है जो प्रोसेस करता है सेम डेटा को, प्रोग्राम्स को एंड इंफॉर्मेशन को। ओके, द मॉनिटर डिस्प्लेज द आउटपुट। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन प्रिंट द आउटपुट विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। जो मॉनिटर पे रहता है वो हमें आउटपुट दिखाता है। मतलब जो इंफॉर्मेशन CPU जनरेट करता है वो आपको कहाँ दिखाई देती है, मॉनिटर पे। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन प्रिंट द आउटपुट विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। आपको चाहिए होगा जो आउटपुट है वो आप प्रिंटर के हिसाब से आप प्रिंट कर सकते हैं, हेंस द मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द आउटपुट डिवाइसेस। तो मॉनिटर एंड प्रिंटर क्या हुए, आउटपुट डिवाइसेस हुए। तो दिखे नीचे कंप्यूटर में के पार्ट जो दिखे हुए, तो इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है, कीबोर्ड एंड माउस है, सेकंड है प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, CPU है, तीसरा है आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है, मॉनिटर एंड प्रिंटर है। ओके, थैंक यू। तो आगे का जो पूरा लेसन है हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों।